जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे खबरों की दीवार सीजीवाल। मैं हूं मनीष जायसवाल, इस वक्त मौजूद हूं राजधानी रायपुर में, जहां पर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन अपनी 22 की अनिश्चितकालीन आंदोलन की रणनीति बना रहा है। आइए चलकर देखते हैं अंदर स्थिति क्या है। केंद्र के बराबर 34% महंगाई भत्ता की मांग को लेकर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन का 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन तय था, लेकिन कल एक धड़े ने जाकर मुख्यमंत्री से मिलकर 6% महंगाई भत्ते को लेकर सहमति जता दी है, जिसको लेकर आज अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की एक आवश्यक बैठक बुलाई गई है। आइए जानते हैं कि 22 जुलाई को क्या होने वाला है। सर बताइए, 22 अगस्त से हम लोग चौथे चरण के तहत जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन करने वाले हैं। हमारे दो मांग है। हम चाहते हैं केंद्र के समान हमें 34% महंगाई भत्ता मिले और सातवें वेतनमान के अनुरूप गृह भाड़ा भत्ता मिले। इन मुद्दों को लेकर जो पूरे प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी तीन चरणों में जिन्होंने आंदोलन किया है, लगभग 4.25 लाख अधिकारी कर्मचारी और 4.25 लाख अधिकारी कर्मचारी के साथ ही हमारे न्यायिक कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ के अध्यक्ष ने भी हमें समर्थन किया है और छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ जो तहसीलदार नायब तहसीलदार है इस संगठन ने भी हमारा पूरा खुलकर समर्थन किया है। नगरपालिका नगर पंचायत के जो है संगठन कर्मचारी संगठन है उनका भी समर्थन हमें मिला है। एक अभूतपूर्व आंदोलन जो है प्रदेश में 22 अगस्त से होने जा रहा है। वर्मा जी, अभी जो एक धड़ा चल दिया तो लोग कन्फ्यूजन की स्थिति है। देखिए, वो पहली बात तो ये है कि वो तथाकथित नेता है, जयचंद नेता है, दलाल लोग हैं, ऐसा प्रदेश भर के कर्मचारी अधिकारी उनके बारे में बोलते हैं। हम ये कह रहे हैं कि उनको जब उन्होंने आंदोलन ही नहीं किया तो उनको बेशर्मी से जाकर जो है मुख्यमंत्री से मिलना ही नहीं था। जब उनको मालूम है प्रदेश के 4.25 लाख अधिकारी कर्मचारी जो है महंगाई भत्ता के लिए लड़ रहे हैं, सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको वहाँ मुख्यमंत्री निवास में जाकर बात ही नहीं करना था। और जो भी बात किया है हम उससे सहमत नहीं है और हमारा फेडरेशन का जो निर्णय है 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन करने का, वो आंदोलन हम करेंगे। कुछ शिक्षक संघ बीच में बोल रहे थे हमको शामिल नहीं कर रहे या अनिश्चितकालीन आंदोलन करना, तो उसके विषय बताइए। नहीं, अभी हमारे सभी शिक्षक संघ जो है यहाँ पर शामिल है। ऐसा कौन शिक्षक संघ है जो शामिल नहीं है? जो शामिल नहीं थे उसमें टीचर्स एसोसिएशन का था, ऐसे वो लोग भी 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन आंदोलन किए थे, उसके बाद अचानक वो लोग वापस ले लिए, तो उस संगठन के बारे में उनके ही प्रांताध्यक्ष कुछ बता सकते हैं, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश भर के जितने भी कर्मचारी संगठन हैं सबसे मैं आह्वान करता हूँ कि ये महंगाई भत्ता और ये गृह भाड़ा भत्ता हर एक कर्मचारी अधिकारी को चाहिए, सब आए और 22 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन में शामिल हों। ये 5 दिन का जो वेतन कटौती का मामला है उसको किस नजरिए से देखते हैं और कैसे दूर होगा? ये तो शासन का एक आदेश है जो हमेशा जारी होता है, जो 2006 में जो आदेश जारी हुआ उसके बाद से 323 ऐसे आदेश जारी हुए हैं और सारे आदेश वापस हुए हैं। तो ये डराने के लिए, भयभीत करने के लिए लोग कर्मचारी अधिकारी डर जाए और डर कर जो है वापस आंदोलन से वापस आ जाए, ऐसे एक फरमान जारी हुआ है। ये कोई बहुत हम लोग गंभीरता से इसको नहीं लेते। अगर स्थिति ऐसी आए तो कोर्ट जाएंगे क्या? यदि हमारे इसी चीज़ के लिए चिंतन मनन करने के लिए आज बैठे हैं हमारे सभी प्रांताध्यक्ष आज आए हुए हैं प्रदेश भर से, और ऐसे तमाम विषयों को जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं इस विषय में भी आज हम लोग चर्चा करके निर्णय लेंगे। राजधानी रायपुर में आज जो बैठक हुई है, अब देखना है कि 22 अगस्त से प्रदेश में अधिकारी कर्मचारी अनिश्चितकालीन आंदोलन पर जाने वाले हैं और इसकी स्थिति क्या हो गई। हमारी खबर पर बने रहिए। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। यही आपका लाइक सब्सक्राइब शेयर हमको आपकी आवाज़ उठाने और आपकी आवाज़ लोगों के सामने लाने का हौसला देता है। सीजीवाल से मनीष जायसवाल की एक रिपोर्ट। धन्यवाद।